तो चलिए दोस्तों, मेरा लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन छूट गया था, बाद में देखने से पता चला। ठीक है, क्वेश्चन था अपना चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन छूट गया था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। सर, इसके बारे में हमको पता है, इसका जो डिडक्शन है, हम लोग ने क्या देखा था, देखिए ऊपर देखो, अपना डिडक्शन जो है, मतलब एग्जेम्पशन जो है अपना, वो यहाँ पर लिखा था कितना सर, 100 मिलेगा पर मंथ, 12 मंथ के हिसाब से, मतलब पर मंथ मतलब 12 मंथ से साल भर हो जाएगा, और सिर्फ दो चाइल्ड तक ही अलाउबल है। कितना, दो चाइल्ड ही मिलेगा, तीसरा चाइल्ड को नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। देखो ये सब चीज़ टैक्सेबल है, बट उसका कुछ बेनिफिट दिया गया है, तो वो बेनिफिट लेने के लिए हमको इनकम से माइनस करना है, राइट, एग्जेम्पशन थ्रू। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। सर अपने को क्या है, इनकम टैक्स ने कितना अलाउड किया, इनकम टैक्स ने अलाउड कितना किया है, अलाउड कितना किया है सर, 100 पर मंथ अलाउड किया है, इनटू कितना, 12 महीने, इनटू टू चाइल्ड। ठीक है, टू चाइल्ड, दो चाइल्ड तक ही अवेलेबल है आपको, ठीक है, दो चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, 10th में, एम इज एंटाइटल, एम इज एंटाइटल टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ऑफ 80, मतलब एम्प्लॉयर से उनको कितना मिल रहा है, एम्प्लॉयर से उनको मिल रहा है कितना सर, 80 पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, 80 पर मंथ इनटू कितना चाइल्ड का मिल रहा है, थ्री चाइल्ड, तो कितना हो जाता है सर यहाँ पर, 8 3 24 पर मंथ हो रहा है, राइट। बट अपने को अलाउबल कितना, देखो यहाँ पर लिख के दिया, तो वो पूछना चाहता है इट विल बी एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट, तो एग्जेम्प्ट कहाँ तक होगा, राइट। तो मुझे अलाउबल यहाँ तक है, तो अलाउ कितना है मुझे, ज़्यादा ज़्यादा, राइट, अलाउ कितना है, 100 पर मंथ का अलाउड है, और दो चाइल्ड के हिसाब से, तो कितना होता है, 200 पर मंथ। बट याद रखना, याद रखना, ये जो है तुम्हारा रिसीव्ड है, राइट, और ये, सॉरी यार किधर गया, ये जो तुम लोग का रिसीव्ड है तुम्हारा, राइट, और ये तो इनकम टैक्स ने एग्जेम्पशन दिया लिमिट है, प्रिस्क्राइब लिमिट, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिस्क्राइब लिमिट है, राइट, है प्रिस्क्राइब लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो जो तुमने विच एवर इज क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर देखा जाएगा तो तुमको 100 के, तुम पूछोगे अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि ये 100 के लिमिट में है क्या, हाँ सर है 100 के लिमिट में। तो तुमको जब तुम इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में आप सैलरी का कंप्यूटेशन करोगे, सैलरी का कंप्यूटेशन करोगे, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले टैक्सेबल कितना दिखाओगे, टैक्सेबल 80 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 240, बट उसमें से एग्जेम्प्ट कितना करोगे, एग्जेम्प्ट कितना करोगे, देखो विच एवर इज लोअर, याद रखना, ऐसा नहीं बोलता कि 200, 100, 100, 100, दो दो को लेके चले जाओ, तुमको इसके बदले कितना मिल रहा है, सिर्फ 80 मिल रहा है ना, तो 80 आपको क्या मिलेगा, उसका डिडक्शन, तो 100 नहीं ले लेने का मैक्सिमम, विच एवर इज लोअर रखने का, हमेशा याद रखना, जो मिल रहा है उससे थोड़ी सा ज़्यादा एग्जेम्पशन दूंगा मैं, राइट। अगर इसके जगह पे समझो दो चिल्ड्रन होते तो तुम्हारा कितना हो जाता है, 160 हो जाता है, तो इससे ज़्यादा थोड़ी बेनिफिट लेते तुम लोग, इससे कम ही लेना पड़ता तुमको, तो याद रखना, इनटू कितना चाइल्ड के लिए मिलेगा सिर्फ अपने को, टू चाइल्ड के लिए, तो कितना हो गया, 160, तो अपने को एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर, 160 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सर अपना एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया, तो ये अपने को आंसर जो है इसका 160 का आंसर है। ठीक है, चलो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जाते हैं। अब पॉइंट है अपना जो सम्स है, सम सम सॉरी जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या बात किया है सर, सबसे इम्पॉर्टेंट सर, अब हम जाते हैं क्वेश्चन देखोगे तो कम्यूटेड पेंशन के बारे में बात किया है, राइट, उसके बाद में ग्रेचुटी के बारे में बात किया है, दो ग्रेचुटी के क्वेश्चन है और एक अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में। देखो इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, पहले हम कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड के बारे में बात करते हैं, या फिर पहले ग्रेचुटी बात कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा, बड़ा है थोड़ा, ठीक है सर। ग्रेचुटी जब देखोगे, देखो यहाँ पर ग्रेचुटी के प्रोविजंस है, राइट है, ठीक है, ग्रेचुटी क्या है सर, गिफ्ट है जो एम्प्लॉयर किसको देता है, एम्प्लॉय को देता है सर, क्यों देता है, क्योंकि इतने साल उसने सर्विस दिया, तो ग्रेचुटी सबसे पहला कंपनी को एप्लीकेबल होना चाहिए, कंपनी ग्रेचुटी एप्लीकेबल होता है तो वो ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे करती है।
अगर कंपनी ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आती है तो ज़रूरी नहीं कि वो ग्रेचुटी आने पर ही दे, तो कंपनी खुद से भी ग्रेचुटी दे सकती है, ज़रूरी नहीं एक्ट अप्लाई होने पर ही दे, ठीक है। बट एक्ट अप्लाई कब होता है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे क्या, ये चीज़ है, राइट है, देखते हैं। ग्रेचुटी क्या है सर? एक लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉय को पेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मैंने क्या बोला, ग्रेचुटी का जो ड्यूरेशन है ना, मैं बताता हूँ आपको, मिनिमम कितना है, 5 साल रुकना पड़ेगा आपको, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन है उसका, कितना है, अगर आप 5 साल कंपनी में काम करोगे तो आपको ग्रेचुटी मिल सकता है, अगर कंपनी ग्रेचुटी का प्रोवाइड करती है तो, और एक्ट में आती है तो, ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 5 साल का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए मिनिमम, ऐसा लिखा है, बट यहाँ पर किधर लिखा नहीं। ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ। तो सर क्या है सर, ग्रेचुटी कब कब मिल सकती है सर? एक तो रिटायरमेंट के टाइम पे दे सकता है सामने वाला कंपनी, राइट। नेक्स्ट क्या है, रेजिग्नेशन के टाइम पे दे सकते हैं, रेजिग्नेशन, राइट है। थर्ड क्या है, डेथ। तो ये सब चीज़ क्या है सर, ऐसा टाइम पे ग्रेचुटी दिया जाता है सर। नेक्स्ट क्या है, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इधर फुल्ली और पार्टली। मतलब सर ग्रेचुटी जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है या टैक्सेबल भी हो सकता है, एग्जेम्प्ट है फुल्ली या फिर पार्टली एग्जेम्प्ट है। क्या है ये, पार्टली एग्जेम्प्ट है। चलो मतलब समझा देता हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एम्प्लॉय, कैसा टाइप का एम्प्लॉय उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ग्रेचुटी रिसीव्ड व्हाइल स्टिल इन सर्विस आर नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल इन सैलरी। देखो सिंपल लैंग्वेज में, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय सर्विस में है अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, वो कंपनी में काम कर रहा है और नॉट इन सर्विस, ठीक है, तो वो कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो सीधा क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। कितना भी तुम लोग ने रिसीव किया होगा क्या सर, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, मैं कौन सा एम्प्लॉय बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय, और अगर सर्विस में नहीं है तो अपने को कंडीशंस देखने पड़ेंगे सर। कंडीशन क्या है सर, अब अपन देख लेंगे ना, पहले उससे पहले हम समझ के लेते हैं सर। कंडीशन में जो है ना, दो टाइप का कंडीशन है यहाँ पर, क्या है सर, दो टाइप का, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और दूसरा कौन है सर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो सर ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उनके लिए क्या है, डायरेक्टली फुली एग्जेम्प्ट, अगर वो 10 लाख लेता है, 12 लाख लेता है, 15 लाख, ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा उनके लिए, क्या है सर, फुल्ली एग्जाम। और ये वाला सर, ये वाले के लिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले इसके पहले देख लेते हैं, रेशमा दरवाजा खोलना, ठीक है। तो ग्रेचुटी एम्प्लॉय, और ये डिटेल में जाने से पहले हम जो है ना, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको क्या है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ग्रेचुटी में जो पेमेंट होगा वो, ग्रेचुटी में जो पेमेंट होगा वो, और बिना जो ग्रेचुटी के पेमेंट होगा, मतलब देखो कंपनी है और कंपनी को ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है, अगर कंपनी मिनिमम एम्प्लॉयज रखती है, मतलब 10 एम्प्लॉयज के ऊपर अगर उसको एम्प्लॉयड करती है एम्प्लॉयज को, ऐसा सिचुएशन में कंपनी को ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। बट अगर वो 10 से कम है तो ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ग्रेचुटी नहीं देती है, ग्रेचुटी देगी, वो ग्रेचुटी एक्ट के अलावा देगी, और ग्रेचुटी एक्ट के अलावा दिया तो क्या हो जाएगा, वो कवर नहीं होता ये एक्ट में, ठीक है। चलो ये जो है इतने सारे रूल्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो ये जो सिंपल चीज़ में इन्होंने नीचे फॉर्मेट में बनाया वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो आगे जब बढ़ूंगा मैं,
तो एक ग्रेचुटी का अच्छा वाला टेबल है, दिख रहा है कि आपको ग्रेचुटी के मस्ट टेबल है, वो ग्रेचुटी टेबल समझ लेंगे आपको समझ जाएगा प्रोविजन। आप अगर जाके सम्स में भी देखोगे तो आपको ज़्यादा समझेगा, ठीक है। तो ग्रेचुटी में रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस, मैंने अभी बताया था, अगर आप एम्प्लॉय हो और काम कर रहे हो और काम करते करते रिसीव कर रहे हो, आप ना रिटायर हुए ना रेजिग्नेशन हुआ ना आपका डेथ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आपको ग्रेचुटी मिल रहा है कंपनी से, दे रहे, तो ऐसे टाइम पे वो अमाउंट जो मिलेगा आपको 10 लाख 20 लाख 15 लाख 50 कुछ भी हो, वो सब क्या हो जाएगा आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विस के टाइम पे मिलेगा टैक्सेबल, सर्विस खत्म होने के बाद में मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या लिखा है सर, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। ऐसा टाइम पे तुमको क्या करना पड़ेगा सर, वो देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मेरा काम क्या बनता है, सीधा फुल्ली एग्जेम्प्ट। मतलब सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ठीक है, एग्जाम्पल मिस्टर ए रिसीव्ड, क्या बोला मैंने, मिस्टर ए रिस सॉरी हाँ मिस्टर ए रिसीव्ड रुपीज 10 लाख एज ग्रेचुटी, ग्रेचुटी ठीक है, और ग्रेचुटी मिल रहा है और क्लियरली बोला है मिस्टर ए इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सर क्या करना है सर, ठीक है, ऐसे टाइम पे एट द टाइम ऑफ क्या सर, एट द टाइम ऑफ रेजिंग, समझो आप रिटायरमेंट हो रहे हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिसीव कर। तो ऐसे टाइम पे देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी जब करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी जब करोगे तो आप क्या करोगे, ये ग्रेचुटी जो है ना, ग्रेचुटी ग्रेचुटी को क्या करोगे, जो 10 लाख है 10 लाख वो एज एन टैक्सेबल इनकम बताओगे, राइट। फिर उसमें क्या करोगे, लेस करोगे, लेस क्या करोगे, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन जो हम ये सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 10 में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर, ये कौन है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको पूरा का पूरा माफ है, तो आपको कोई टैक्सेबल लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नील हो जाएगा सर। अब समझो सर, ये जो है ना, यहाँ पर मैं ये रब कर रहा हूँ, ये रब कर रहा हूँ, और इसके जगह पे मैं लिखता हूँ सर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर, ऐसे टाइम पे क्या करूँ सर, तो ऐसे टाइम, अरे यार रुको, हाँ ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मैं क्या करूंगा सर ऐसे टाइम पे, ये जो ग्रेचुटी है ना 10 लाख तो लिया, ठीक है, रिसीव्ड है, ये क्या है पार्ट, रिसीव्ड है राइट, एम्प्लॉय से रिसीव किया, इसलिए ये मेरा सैलरी में टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अब मुझे एग्जेम्पशन चाहिए इसका, क्या चाहिए, एग्जेम्पशन। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ना क्वेश्चन पूछो उससे कि भाई तू कंपनी ने जो दिया तुझे वो कंपनी को ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं, तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ सर वो ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है इसको, या बोलेगा सर वो ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वो कंपनी को, फिर भी दिया उन्होंने, ठीक है। तो दोनों के टाइम पे ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन लिमिट थोड़ा बदल जाता है, क्या है सर एग्जेम्पशन लिमिट सर, चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है सर। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ किसका, एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ किसका, सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि वो कवर्ड है, कवर्ड किसके अंदर सर, ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, वो कवर्ड होगा तो मैं क्या करूंगा सर, उससे पूछूंगा कि कितना मिलेगा मुझे एग्जेम्पशन, तो वो बोलेगा तुम्हें, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलती है, एग्जेम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सबसे जो कम होगा ना वो एग्जेम्पशन मिलेगा तुमको, सबसे कम, सबसे कम के लिए सर कौन है सबसे कम, एक फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ये तीन कंडीशन में अगर तुम फॉल होते हो तो सबसे कम इन तीनों में से जो भी होगा वो किससे माइनस किया जाएगा, 10 लाख से माइनस किया जाएगा। तो सबसे कम कौन है, सबसे पहले देखते हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा जो होगा 20 लाख तक ही आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन लिमिट है, उससे ज़्यादा आपको माइनस करने का मौका ही नहीं मिलेगा,
तो 10 लाख रिसीव किया, हाँ सर वो कंडीशन क्या, अगर मैं 50 लाख रिसीव करता तो मैक्स टू मैक्स मेरे को 20 लाख मिलता, उससे ज्यादा मैं माइनस नहीं कर पाता था अपना एग्जेम्पशन। ठीक है, सेकेंड क्या लिखा है सर, सेकेंड लिखा है सर ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना रिसीव किया सर हमने, 10 लाख रिसीव किया सर, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे रुपीज रुपीज 10 लाख। ये क्या हुआ सर, एक्चुअली जो हमने क्या किया रिसीव्ड किया, किससे किया सर, हमने एम्प्लॉयर से रिसीव किया। ये क्या है सर, ये लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है, ये किसने प्रिस्क्राइब किया, इनकम टैक्स एक्ट ने, तो लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है। ठीक, प्रिस्क्राइब लिमिट। अब थर्ड वाला जो आता है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होता है, 15 डेज, ठीक है 15 डेज फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर सर्विस पार्ट ऑफ 6 मंथ, फिर से पढ़ लेता हूँ, 15 डेज सैलरीज बेस्ड ऑन द लास्ट ऑन सैलरी, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस अपार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, नंबर ऑफ डेज इज 26 मंथ। देखो सिंपल चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है, सबसे पहला तुम्हारा लास्ट ड्रॉन सैलरी देखना, क्या बोला मैंने लास्ट ड्रॉन सैलरी, क्या बोला मैंने लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, तुमने लास्ट मंथ में कितना सैलरी उठाया वो देखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद में 15 डेज डिवाइड बाय 26 डेज, मतलब इनडायरेक्टली आधा, मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये 26 डेज क्या होता है अपना वर्किंग डेज होता है, क्या होता है वर्किंग डेज, इसमें वो हॉलीडेज कंसिडर नहीं होता, तो महीने में 4 संडेज आते तो कंसिडर नहीं करते हम लोग, तो टोटल कितना होता है 26 डेज, उसमें से 15 दिन का सैलरी एज अ ग्रेचुटी अलाउबल है, एग्जेम्पशन अलाउबल है, और लास्ट ड्रॉन सैलरी देखो, और आगे क्या लिखता है इनटू एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब सामने वाले बंदे ने कम से कम अभी समझो 20 ईयर्स उन्होंने काम किया है, 20 ईयर्स काम किया है, राइट 20 ईयर्स काम किया है, और आगे लिखता है 7 मंथ्स एक्स्ट्रा काम किया है, 20 ईयर्स एंड 7 मंथ। तो ऐसे टाइम पे अगर 6 मंथ के ऊपर होता है ना, ये 6 मंथ या 6 मंथ के ऊपर होता है ना, तो उसको कन्वर्ट कर देने का, इसके जगह पे कितना लिख देने का 21 ईयर्स लिख देने का, समझा, 6 मंथ से कम होगा तो वो कितना हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा सिर्फ, मतलब राउंड ऑफ करो बोल रहा हूँ पार्ट, समझा, राउंड ऑफ होता है ये चीज़ में, अगर तुम ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो तो राउंड ऑफ होता है फिगर मंथ का ईयर्स का जो भी है, राइट। तो ये वाला कैलकुलेशन है उसका, अगर तुम लोग लास्ट ड्रॉन सैलरी एज्यूम करते हो कि 10,000 लास्ट ड्रॉन सैलरी है मेरा, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब मैं लास्ट मंथ में कितना पैसे लिया, इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू इंटू कितना क्या ये, हाँ हमने कितना राउंड ऑफ किया है, कितना हुआ सर 21, तो इसके हिसाब से कितना सैलरी आता है सर, देखो कैलकुलेट 10,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू 21, तो सर मुझे जो कैलकुलेशन में अमाउंट आ रहा है यहाँ पर वो अमाउंट आता है 12,1153, मतलब 1,12,000, ये देखो मैं ये तो एडॉक फिगर ऐसे दे रहा हूँ, राइट। तो मेरे को ये बताओ इसमें आपने क्या सीखा सर, इसमें ये सीखा अपने पास 3 लिमिट्स आ गए, तो 3 लिमिट्स, जब आप ये जो सैलरी कंप्यूटेशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, ठीक है अच्छे से लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना रिसीव किया सर मैंने, रिसीव्ड कितना किया सर मैंने किया 10 लैक्स, ठीक है। लेस एग्जेम्पशन क्या लूंगा, एग्जेम्पशन क्या लूंगा, एग्जेम्पशन मैं लूंगा ये जो 1, 2 एंड 3 में से जो लोअर होगा सबसे, उसी को माइनस करूंगा। लोअर कौन है सर, अभी ये 20 लाख है, ये 10 लाख है, और नीचे हमने ऐसे कैलकुलेट किया था एड ऑफ फिगर, वो कितना आया था सर, 1,21,000, तो 1,21,000 जो है 1,153, ठीक है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ जो भी होगा तुम्हारा 8,70,000 जो भी है वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा, ये इस पे टैक्स लगेगा, समझा, क्लियर है सर, समझ रहे हो क्या चल रहा है इधर। ये बना किसका सर, ग्रेचुटी का जो कवर्ड में, कवर्ड में अब मैं क्या करूंगा, नॉट कवर्ड वाला पार्ट देखूंगा, नॉट कवर्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दोनों में एक छोटा छोटा डिफरेंस है, वो ध्यान देना। देखो इसका भी लिमिट क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये एम्प्लॉई इधर नॉट कवर्ड आ जाता है, इसके जगह ग्रेचुटी कवर्ड नहीं है, तो क्या करता हो, 20 लाख तो रख ही देता है, पर 20 लाख का लिमिट है, राइट। नेक्स्ट एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, हाँ यहाँ पर क्या है, हाफ मंथ ऑफ सैलरी, हाफ मंथ, देखो यहाँ पर क्या है, 15 डेज, बेनिफिट ज़्यादा है यहाँ पे, 15 डिवाइड बाय 26, तो आधा से ज़्यादा मिल रहा है बेनिफिट, और यहाँ पे सिर्फ हाफ मिल रहा है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रुको देखो, ये कंडीशन अलग हो जाती है, किसमें, ये दूसरे में, ये क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट, अगर ये नॉट कवर्ड में, नॉट कवर्ड बोलता हूँ, नॉट कवर्ड, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्या लास्ट हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज 10 मंथ सैलरी, मतलब लास्ट 10 मंथ का सैलरी देखो, दो सबको ऐड करो और डिवाइड बाई 10 करके एवरेज सैलरी निकालो, 10 मंथ का, 10 मंथ का, 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकालो, एवरेज सैलरी, समझ रहे हो, एवरेज मतलब क्या होता है, सिंपल चीज़ है, लास्ट 10 मंथ का सैलरी ऐड करूंगा और डिवाइड बाय क्या करूंगा, 10 कर दूंगा, तो वो बना मेरा एवरेज सैलरी, राइट है, इनटू इनटू और कितना, हाफ, सर इधर हाफ बोला है, ये हाफ हो गया, पहले कितना था, 25 इंटू 20 15 डिवाइड बाय 26, बट यहाँ पर हाफ है, आगे क्या देगा, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पर डायरेक्टली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, देखो पॉइंट नोट करो, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पर क्या होता है, एवरी कंप्लीटेड ऑफ ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, यहाँ पे राउंड ऑफ का ऑप्शन था, यहाँ पर राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं है सर, इसका मतलब ये जो 20 ईयर्स जो है ना, सॉरी, हाँ ये जो 20 ईयर्स है ना, 20 ईयर्स 7 मंथ होगा ना, तो इसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, इधर सिर्फ लिखा जाएगा 20 ईयर्स, जिससे क्या होगा, सैलरी का जो एग्जम्पशन लिमिट है ना, वो कम हो जाएगा अपना, तो यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो है 10 मंथ का सैलरी 10,000 ही है, मेरा कोई सैलरी में चेंजेस नहीं है पिछले 10 साल से, ठीक है, 10 मंथ से, फिर यहाँ पर क्या करूँगा, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 ईयर्स, देखो अब इसका कैलकुलेशन में क्या आता है, 10,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 ईयर्स, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 लाख आता है, देखो एग्जेम्पशन लिमिट कम हो गई ना, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते तो आपका एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाता है, और ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं थे इसलिए कम हो गया, तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे तीनों में से विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे कट होके कितना हो जाता था, 1 लाख हो जाता अगर आप कवर्ड नहीं होते, अगर कवर्ड है तो 121 का बेनिफिट है, तो ऐसा करके हम लोग ग्रेचुटी सॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं, ग्रेचुटी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसा है सर, इसमें कुछ पॉइंट्स को है ना नोट करना चाहिए, क्या बोल रहा सर, कुछ पॉइंट्स को हम नोट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोट में, यहाँ पर ध्यान दो, हाँ ये मैं इसलिए डार्क करके रखा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, राइट सर, इंपॉर्टेंट है, तो सर एक बार देख लेते क्या है, चलो बेसिकली ग्रेचुटी इज इक्वल टू 15 डेज, सर मालूम है सर, बेस्ड ऑन द लास्ट ऑन सैलरी, अभी तो पड़ा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब पार्ट देयर ऑफ, अगर राउंड ऑफ चांसेस किधर है सर, ये किधर, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, जो कवर्ड है ग्रेचुटी के अंदर उसी का क्वेश्चन चल रहा है, राइट। एंड इन सीजनल केस एस्टैब्लिशमेंट, कभी कभी क्या होता है, कोई एग्रीकल्चर वाला कंपनी होता है जो सीजनल बेसिस पे ही चलता है, नॉर्मली पूरा साल चल नहीं पाता है क्योंकि एग्रीकल्चर के बेसिस पे होता है पूरा, राइट है, फार्म बेसिस, तो ऐसे टाइम पे वो जो हम कितना ले रहे हैं, 15 डिवाइड बाई 26 ले रहे हैं, उसकी जगह पे 7 डेज ले लेने का, 15 डिवाइड बाई 20 की जगह कितना लेने का, 7 ले लेने का, सैलरी इज टेकन इंस्टेड ऑफ 15, आगे क्या लिखता है, 20 डेज 6 डेज रिफर टू द, 26 डेज रिफर टू द वर्किंग डेज अपना प्योरली, और लास्ट वाला क्या, सैलरी, सैलरी में इन लोग क्या बोलते हैं, इधर वर्ड डाल रहा है ना, इन लोग क्या डाल रहा है सर, सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी सैलरी में क्या क्या लेना चाहिए, क्योंकि सैलरी छोटा मोटा थोड़ी है, डेफिनेशन तो कितना बड़ा है सैलरी में, तो वो बताना चाहते हैं, सैलरी में बेसिक सैलरी उठाओ, डियरनेस अलाउंसेस लो, और कोई भी एक्सक्लूड करो कौन सा, बोनस कमीशन एंड अदर अलाउंसेस, देखो ये सम्स अगर मैं करता ना आपको तभी समझ में आता है, फिलहाल आप ये नॉलेज में रखो कि सैलरी के डेफिनेशन में जब हम ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी में बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस एंड बट एक्सक्लूड द बोनस कमीशन, ये वाला सब चीज़ अलाउंसेस निकाल दें, सिर्फ डीए डीए बेसिक एंड डीए को ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या था सर, ये वाला जो पॉइंट था ग्रेचुटी टू अदर्स, यहाँ पर भी क्या पढ़ा अपने, जो ग्रेचुटी एक्चुअल रिसीव करते हैं वो मैक्सिमम 2 और हाफ मंथ सैलरी, अभी तो पढ़ा था हमने हाफ मंथ सैलरी, राइट, एवरेज, तो ऐसा करके ये दोनों, इसमें भी सैलरी का डेफिनेशन है, कंप्लीटेड ईयर्स है,
कंप्लीटेड ईयर्स, यहाँ पर इफ मोर देन 6 मंथ होगा तो भी इग्नोर किया जाता है। मैंने अभी बताया कि भले वो 7 मंथ था अपना 21.7, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 21 ले रहे हैं, राइट। तो इग्नोर किया जाता है, मतलब 20.7 था ना, राइट, इग्नोर कर देने का। तो ऐसा करके हम लोग ने ग्रेचुटी का प्रोविजन देखा। अब ग्रेचुटी का प्रोविजन देखा तो अपना काम बनता है, एक सम्स भी देखे उसके ऊपर, राइट। सम्स मीन्स जो ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी जो टारगेट है अपना वो खत्म करना, राइट। तो यहाँ पर हमने ग्रेचुटी, हाँ देखो यहाँ पर ग्रेचुटी का 2 क्वेश्चन थे अपने पास, राइट। तो क्या लिखता है मिस्टर, यहाँ पर ग्रेचुटी का हम क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एम, सॉरी एम एम क्लेम्ड द एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुटी इन पास्ट 250, पास टू द एक्सटेंट ऑफ 250, मतलब सामने वाला एम जो है ना ऑलरेडी जो है ना 250 का बेनिफिट ले लिया है उसने। क्या बोला मैंने, 250 का बेनिफिट ले लिया, मतलब एक कंपनी में काम किया उसने 5 साल, उधर ग्रेचुटी उठाया और वहां से 2.5 लाख का ग्रेचुटी का बेनिफिट लिया और वहां से निकल गया और दूसरी जगह जॉब कर रहा है और 5 साल किया, वहां पे क्या किया उसको फिर से ग्रेचुटी मिला, तो एग्जेम्पशन ले सकता है क्या वो फिर से दूसरे का, तो वो क्वेश्चन है। तो ही वॉज 20 में क्या क्वेश्चन लिखा है, इन द प्रीवियस ईयर कैन एक्सप्लेन एग्जेम्पशन लिमिट, तो वही पूछ रहा है तुमको कि हाँ। तो ये मिस्टर एम जो है उसने, मिस्टर एम जो है उसने क्या किया है सर, मिस्टर एम जो है एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है ग्रेचुटी का, पहले भी उसने क्या किया ग्रेचुटी रिसीव करके 2.5 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर चुका है। तो अपना क्वेश्चन है कि उसको फिर से प्रेजेंट एम्प्लॉयर दिख रहा है क्या, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ये पास्ट था, ये पहले वाला था, उसको 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया था बेनिफिट, अब ये प्रेजेंट वाला एम्प्लॉय है तो इसको इसने भी मिला है, तो वो 2 लाख का उसके पास अमाउंट पड़ा है, तो वो क्या बोलना चाहता है कि 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है या फिर कम मिलेगा। नहीं सर, अपने को पूरा का पूरा 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। सर क्यों मिलेगा, क्योंकि अपना टोटल लिमिट जो है एग्जेम्पशन वो कितना है 20 लाख का है, ठीक है। टोटल एग्जेम्पशन लिमिट कितना है अपना 20 लाख का है, ठीक है। ठीक है सर, आपको समझ गया कि 2 लाख का पूरा एग्जेम्पशन उसको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम इज एंटर इज नीदर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, मतलब वो टैक्सेबल इस कैटेगरी में आ जाता है, मतलब वो फुल्ली एग्जेम्प्ट वाला तो नहीं हो, राइट, पार्टली एग्जेम्प्ट वाला हो सकता है। नेक्स्ट वो बोलता है ग्रेच्युटी एक्ट में भी कवर नहीं होता है, तो वो दूसरा वाला में चला जाएगा, राइट है, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड 16 ईयर्स एंड 18 मंथ, याद रखना जब ये नंबर ऑफ ईयर सर्विस का बात करें 16 ईयर्स एंड 8 मंथ है और वो कवर्ड में नहीं है तो राउंड ऑफ नहीं होता है, आपको सिर्फ 16 का ही मिलता है। अगर वो कवर्ड होता तो 6 मंथ से ऊपर के वो देखना चाहिए, तो 6 मंथ से ऊपर है तो वो 16 का 17 बन जाता, राइट है। तो सबसे स्पेसिफिकली तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स जो है कंसीडर फॉर द ग्रेचुएट एग्जेम्पशन शाल बी कितना होगा, तो बोलना है सर 16 ईयर्स ही होगा। क्यों सर, अपना कितना है सर ये ये कितना दे रहा है, 16 ईयर्स एंड एंड 8 मंथ से, राइट है। तो ये चीज़ को अगर कन्वर्ट करना है मेरे को 17 ईयर्स में, तो उसके लिए मुझे ग्रेचुटी के अंदर कवर्ड होना पड़ेगा। वो तो क्लियरली बोल रहा है ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं, तो राउंड ऑफ की बात ही नहीं आती है। और सेकेंड, गलती से वो कवर्ड होता तो मैं क्या करता है, ये मंथ को देखता है, ये 6 के ऊपर होता तो मैं क्या करता, तो ही उसको राउंड ऑफ करता, अदरवाइज मैं राउंड ऑफ नहीं करता, उसको 16 ही लेता, ठीक है। क्लियर है सर, नहीं समझ रहा है तो वापस से एक बार देख लेते हैं अपन, वो किधर था वो कवर्ड नॉन कवर्ड वाला पार्ट, ये क्या यहाँ पर लिखा है ना 6 मंथ के ऊपर गया, ये तो कवर्ड में आता है ना बंदा, ये तो नॉट कवर्ड है, नॉट कवर्ड में ऐसा कहीं पर भी कुछ लिखा है क्या कि 6 मंथ एक्सेस 6 मंथ पार्ट देर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। सिंपल चीज़ है, अगर एक्स्ट्रा मंथ आता है तो इग्नोर करो और आपको सिर्फ 16 मंथ का ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किया ग्रेचुटी, अब हम आगे बढ़ते हैं कम्यूटेड पेंशन पे, क्योंकि कम्यूटेड पेंशन क्या है सर, अपना कम्यूटेड पेंशन का एक क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पर पूरा अच्छे से, राइट है, हमने देखा था ये कम्यूटेड पेंशन है एक थर्ड वन, ठीक है। हाँ देखिए 6-1 जो है कम्यूटेड पेंशन का सम्स है, मुझे क्या करना है अभी आगे बढ़ना है, कम्यूटेड के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है क्योंकि ये सब बेसिक प्रोविजन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अपने लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, 16 16 16 16 16 16 कम्यूटेड 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 किधर गया भाई, मिल जा,
वेरी गुड, मिल गया। देखिए तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है, पेंशन, पेंशन, ठीक है। पेंशन में दो टाइप के पेंशन है, एक तो है कम्यूटेड, ठीक है, और दूसरा है अनकम्यूटेड, ठीक है। कम्यूटेड अनकम्यूटेड क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कम्यूटेड यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना आपको, है ना, शॉर्ट में पेंशन के बारे में बताता हूँ। पेंशन सबको ही पता है, इसमें क्या है, एक कंटिन्यूअसली पेमेंट मिलता जाता है आफ्टर रिटायरमेंट, या फिर एक लमसम अमाउंट भी मिल जाता है। दोनों में से अपने ऊपर है, चॉइस अपने ऊपर है, जैसा कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर पेंशन इज मंथली पेमेंट बाय द एक्स एम्प्लॉयर, छोड़ दिया रहता है वो कंपनी, तो वो अपने नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से मिलता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय, विच इज़ टैक्स्ड सैलरी, सैलरी बोल के उसको टैक्स किया जाता है, राइट। क्योंकि सैलरी का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, सैलरी, बेसिक सैलरी, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एंड बहुत कुछ था ना, वो सब चीज़ है इसके अंदर, मतलब ये है टैक्सेबल सैलरी। एंड एम्प्लॉय में ऑप्ट टू गेट वन टाइम लमसम पेमेंट और अ मंथली पेमेंट। तो उनके पास ऑप्शन होता है, किसके पास होता है सर, एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि अगर तुमको पेंशन चाहिए तो पेंशन कैसा चाहिए सर, लमसम में चाहिए, लमसम मतलब सर एक साथ बड़ा अमाउंट 5 लाख लेके चले जा, या मंथली बेसिस पे चाहिए। मंथली मतलब आगे अगर बुढ़ापे में अपने को कंटिन्यूस कुछ इनकम चाहिए तो हम ऑप्शन लेते हैं मंथली पेमेंट्स, मुझे रिटायरमेंट के बाद मुझे मंथली क्या किया जाए, वो इनकम दिया जाए, ठीक है। आगे क्या है, इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन। देखो, दिस इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन विच इज फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ द, चलो ये जो कंडीशन है मैं बाद में बताता हूँ। तो सर इससे क्या पता चला सर, ये जो होता है ना, ये सर ये जो है ना लमसम मिलता है आपको, क्या मिलता है सर, लमसम, और ये जो होता है ना ये मंथली बेसिस पे मिलता है, मंथली हर महीना मुझे 5 हज़ार आया, 10 हज़ार आया गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन, तो ये मंथली बेसिस पे मुझे मिलता है। तो ये क्या होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, क्या होता है सर, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये मंथली बेसिस पे आ रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, अगर आपको एक साथ लेना है तो एक साथ आया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आता है, तो ऐसा टाइम पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, हाँ ठीक है रुक मैं एग्जेम्पशन के लिए कुछ देता हूँ तुझे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया उसने कैसा दिया, तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, नहीं पूछता है वो गवर्नमेंट, अगर तुम पेंशन रिसीव कर रहे हो तो तुम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो टेंशन मत लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंस, स्टेट, लोकल, सेशन, मेंबर ऑफ डिफेंस, मतलब इनडायरेक्टली इन शॉर्ट क्या है सर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या है सर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो ऐसे टाइम पे सर उसके लिए क्या है सर, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, जितना मिल रहा है उसको 10 लाख, 50 लाख, करोड़ में भी पेंशन मिलता रहेगा, तो पूरा का पूरा वो सैलरी में आएगा, बट वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब सर पता है ना। नेक्स्ट क्या है सर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी आता है वो बोलते हैं ना गवर्नमेंट इनकम टैक्स क्या करती है, हाँ चल भाई तू नॉन गवर्नमेंट है तो मैं माफ़ करता हूँ थोड़ा सा, गवर्नमेंट है तो पहले से माफ़ है उसको पूरा, बट इसमें क्या है थोड़ा सा माफ़ कर देता हूँ। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, इफ इफ एम्प्लॉय इज रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, सर क्या बोल रहा है ये, सर ये बोल रहा है कि ये जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये जो है ग्रेचुटी मिल रहा है क्या, पूछो इसको ग्रेचुटी मिल रहा है क्या, और नहीं मिलता होगा तो सर नो ग्रेचुटी, तो ऐसे टाइम पे क्या करेगा सर, तो ग्रेचुटी मिलता होगा ना, ग्रेचुटी मिलता होगा ना तो भाई वहाँ पे भी बेनिफिट ले रहा है, यहाँ पे भी ले रहा है, तो उसको थोड़ा कम एग्जेम्पशन ये है, मतलब थोड़ा कम एग्जेम्पशन मिलेगा, और ग्रेचुटी नहीं मिलता होगा तो थोड़ा उसको ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट क्राइटेरिया कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसलिए 1/3 है और यहाँ पर हाफ है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा होगा उतना मैं माइनस करूँगा, राइट, तो हाफ मतलब 50% और 1/3 मतलब 33%, तो ज़्यादा कौन सा है सर, बेनिफिट तो इसमें है ना जो नॉन ग्रेचुटी है, जिसको नो ग्रेचुटी मिला है, नहीं ग्रेचुटी सिर्फ पेंशन मिल रहा है, यहाँ पर ग्रेचुटी भी मिल रहा है पेंशन भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ दोनों मिल रहा है ना, देखो थोड़ा कम दूंगा मैं बेनिफिट, और यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है सिर्फ पेंशन मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा तुमको बेनिफिट देता हूँ, राइट है। तो यहाँ पर है ना कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन जो है ना एग्जाम में आगे उससे आपको समझेगा,
मैं एक बार बोलता वो आप एक बार देख लेना सम्स, क्योंकि ये मैं देखने जाऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी कोशिश करते देखते, ठीक है। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, मतलब सर कितना पेंशन, जो कम्यूटेड पेंशन जो है ना, कम्यूटेड पेंशन मतलब जो लमसम अमाउंट वाला, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, वो सम्स में ही समझेगा आपको, ये फिलहाल देख लो ऐसा एक बार, ठीक है। इनटू इनटू 100, ये तुम्हारा क्या रहेगा, एग्जेम्पशन लिमिट रहेगा फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेच्युटी, और ये भी सेम ही रहेगा, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, ठीक है, डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज इनटू 100, ये भी सेम ही होगा सर, ये दोनों अलग है, ठीक है, सेम ही होगा, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ फर्क इतना है, ये कितना है सर, ये है 0.5% और ये कितना है सर, 1/3%, तो इससे अमाउंट क्या होता है, डिफर होता है। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हो। चलो एक शॉट में सम देख लेते हैं, हो सकता है तो देखो क्या बोलता है, मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम जून, जून से रिटायर हो गया, राइट, ही ज्वाइंड द कंपनी, बहुत पहले ज्वाइन किया था, ही गेट्स पेंशन 2000 अप टू 30 मार्च, मतलब सर क्या बोलना चाहता है, एक्स लिमिटेड जून में जॉब छोड़ दिया 30 जून में, ठीक है, अब वो यहाँ से लेके अप टू नवंबर, नवंबर तक जो है ना, नवंबर तक वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पेंशन उठा रहा है, पेंशन उठा रहा है मंथली बेसिस पे, कितना लिया उसने, 2000 उठाया, राइट है। आगे क्या बोलता है, ऑन 1 दिसंबर, मतलब यह इसके बाद से, ठीक है, यहाँ से दिसंबर से आगे से, मतलब कंटिन्यूशन, यहाँ से इसके बाद से, आफ्टरवर्ड्स, यहाँ लिख देता आफ्टर वर्ड्स, यहाँ से आगे आफ्टरवर्ड्स, तो क्या बोलना चाहता है, ही रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट किया कंपनी से, बोला मुझे कम्यूटेशन 50% चाहिए, मतलब ये जो मंथली मिल रहा था ना, ये जो मंथली मिल रहा था उसको, मंथली मिल रहा था, वो क्या बोलता है, रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे 50% कम्यूटेड कर दो, और बचा हुआ 50% क्या रहेगा, अनकम्यूटेड रहेगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, उसने बोला ये पूरा का पहला क्या था, अनकम्यूटेड था, अनकम्यूटेड मतलब फुली टैक्सेबल, एंड प्लस वो मंथली बेसिस पे मिलता है, क्या मिलता है वो, मंथली बेसिस पे, बट उसने दिसंबर के बाद से रिक्वेस्ट किया मुझे इसका 50% जो है ना, इसका 50% कितना, 1000 1000 पर मंथ, और ये क्या होगा, ये भी 1000 पर मंथ होगा, तो ये बोला मुझे है ना ये 50%, ये मुझे कम्यूटेशन, मतलब इसको कम्यूटेशन बनाओ, टोटल लमसम दे दो मुझे, एक साथ क्या दो, लमसम दे दो, फिर मैं खुश हूँ, बाकी ये 1000 1000 मुझे हर महीना देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे टाइम पे मेरा काम क्या बनता है, मेरा काम क्या बनता है, अनकम्यूटेड पेंशन को कैलकुलेट करना, समझो यहाँ पर क्या लिखा है, ही रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट, ही रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड एंड, सॉरी, ही उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया एंड रिसीव 75,000, तो ये जो है ना उसने इसके जगह पे कितना मिला उसको, मतलब एक साथ लमसम अमाउंट कितना मिला उसको, 75,000 मिल गया, ठीक है। वो धीरे धीरे ले रहा था तो उसने बोला नहीं मुझे पूरा का पूरा एक साथ लमसम अमाउंट चाहिए, तो वो दे दिया सर उसको। आगे क्या बोलता, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल सैलरी इनकम रिसीव्ड 50,000, इफ ही रिसीव्ड 50,000 एज अ ग्रेचुटी, देखो सबसे इम्पोर्टेंट सर क्या इंपॉर्टेंट है सर, उसको ग्रेचुटी मिला है, अगर ग्रेचुटी मिला है तो आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा, 1/3 का मिलेगा, अगर ग्रेचुटी नहीं मिला है तो आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा, 2/3 का मिलेगा, राइट है, ये 1/3 वाला पार्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, ठीक है। चलो अभी हम लोग ये सम्स देखते हैं, सम्स क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर जो है अपना वो मैटर करता है, तो अपना असेसमेंट ईयर क्या है सर, असेसमेंट ईयर क्या है, सॉरी सर, अपना असेसमेंट ईयर 2019-20, ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है अप्रैल से और ख़त्म होता है मार्च 20 पे, राइट, एंड मार्च 20 पे, तो ये बंदे ने जून में, जून से नवंबर तक उसको ये मिला, तो जून से नवंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी जून नहीं ले गया क्योंकि जून का 30 दिया है इसने, राइट, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, कितना मंथ हुआ सर, 5 मंथ, 5 मंथ इसने कितना कमाया, 2000 2000 रुपये कमाया, राइट, उसके बाद से उसको कितना मिला सर, 1000 मिलना शुरू हुआ, बाकी क्या उसने जितना भी लिया वो 75,000 वन टाइम उठा लिया, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना हुआ सर, 4 मंथ हुआ, तो ये 4 मंथ क्या करेगा वो, 4 मंथ क्या करेगा वो, 1000 के हिसाब से लेगा, तो वही चीज़ इधर बताया उन्होंने कि 2000 एंड 1000 ऐसा करके 14,000 उसने
पेंशन रिसीव किया, वो भी कौन सा है, वो अनकम्यूटेड, क्योंकि मंथली उठा रहा है ना वो। कम्यूटेड क्या बोला उसने, कम्यूटेड पेंशन कितना रिसीव किया, 75,000। बट 75,000 रिसीव किया, बट इधर रूल्स क्या बोलता है अपना, अगर कम्यूटेड पेंशन रिसीव करते हो तुम, तो तुम देखा हो जाओगे कि कौन है वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन, तो हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमको ग्रेच्युटी मिला है क्या नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन में तो बोला है मिला है हमको, राइट, ग्रेच्युटी मिला है प्लस एग्जाम भी हो गया है तो बेनिफिट ज़्यादा, तो फॉर्मूला ये लगेगा सर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/3 अपॉन, ठीक है। तो यहीं पर देख लेते हैं कंडीशन कैसा ये लोग फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, एग्जेम्पशन कैसा मिला देखो, उसको एग्जेम्पशन कैसा मिला, 50% ऑफ कम्यूटेड पेंशन कितना, तो ये 75,000 जो मिला वो किसके बराबर है, 50% के बराबर है, राइट है। 100% ऑफ कम्यूटेड पेंशन, तो अगर ये 50% के बराबर है, क्या बोलना चाहता है, अगर ये 50% के बराबर है तो 100% के बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, राइट है। आपको अमाउंट कितना मिला सर, 1.5 लाख। तो टोटल कितना हो सकता है सर कम्यूटेड पेंशन, 1.5 लाख। आगे उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 1/3 ही मिलेगा, 1/3, तो ये 1/3 कितना होता है, 50। तो ऐसा करके उसने बेनिफिट दे दिया, सर देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ है ना कम्यूटेड पेंशन, ये देखो कम्यूटेड पेंशन लिखा है ना, देखो क्या लिख रहा हूँ, 1/3 तो है इतना अपनी जगह पे, और इनटू यहाँ पर क्या लिखा, कम्यूटेड पेंशन कितना था सर, 75 था कम्यूटेड पेंशन, डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज कितना था, 50% था, राइट है, कम्प्यूटेड पेंशन का इंटू 100 किया तो आ गया 1.5 लाख, 1.5 लाख का 1/3 कितना बचा, 50। तो वही चीज़ क्या कर रहे हैं लोग, माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो समझा क्या, 75 टैक्सेबल, उसमें से एग्जम 50, तो बचा कितना, 25, तो टोटल मिला के पेंशन कितना टैक्सेबल हुआ, 39,000। सिंपल चीज़ है, कुछ डरने का नहीं, तो समझ के लो एक बार, आप भी देखो आपको ज़्यादा समझेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था सर कम्यूटेड पेंशन का, वो देख लेते हैं एक बार। हाँ सर, कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो अगर अनकम्यूटेड पेंशन लेता है वो भाई टैक्सेबल ही हो जाता है, उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं। जब लमसम होता है, कम्यूटेड होता है, तभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट देखते हैं, अदरवाइज तुमको क्या है, सब पे टैक्सेबल हो जाएगा, राइट है। हाँ राइट है, अनकम्यूटेड क्या है, सब फुल्ली टैक्सेबल, कोई गवर्नमेंट नहीं है उसमें, नॉन गवर्नमेंट कोई भी नहीं आता है, ठीक है।